हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे, बढ़िया और फर्स्ट क्लास होंगे। खाना पीना हमारा हो चुका है और अभी जो है हम जा रहे हैं सारा अपना काम वाम निपटा के नीचे। यहीं पे मैंने बर्तन इकट्ठे कर लिए, मैंने सोचा यहीं पे जो है मैं अपना बर्तन भी साफ़ कर लेती हूँ। तो जिन्होंने यहाँ पे सारा सामान मुझे जो है ऊपर ला के दिया, तब साग वगैरह सब चीज़ें बनाई। साग बनाने में मेहनत सारी जितनी मेरी थी उतनी ही इनकी भी थी, यानी कि हमारे हस्बैंड की भी थी, क्योंकि ये सारा सामान लाए खरीद के। सारी तैयारी इन्होंने ऊपर की, सारा सामान इन्होंने ऊपर रखवाया, ऊपर से फिर सारा सामान इन्होंने नीचे भी रखवाया। तो पूरी मेरी तो बनाने तलक की मेहनत थी और खिलाने की इनको, बाकी सारी मेहनत इन्हीं की थी। तो जब इतनी मेहनत की थी तो देखिए साग तो बना के खिलाना ही था। बस सारा काम यहाँ से निपटा के चल रहे हैं ऊपर, और मुझे ये ऊपर का खाने पीने का सिस्टम अच्छा लगा। नीचे अपना काम निपटा और खाना पीना आराम से ऊपर करो, चूल्हा सिलगाओ, देखते हैं कुछ सेटअप बनाते हैं ऊपर का ही। गई थी और मैंने अपनी रोटी नहीं बनाई थी ऊपर, और क्योंकि मुझे नीचे आके जोत जलानी थी तो आके जोत जला ली। और अभी जो है खाना खाएंगे, मस्त सी रोटी और साग, साथ में मूली और थोड़ा सा गुड़। चलिए आप लोग भी आ जाइए और खाना खा लीजिए हमारे साथ। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल पर। सुबह के बजे हैं अभी करीब करीब 7:15 के करीब। हाँ, बाकी को मैं छोड़ के आ गया हूँ और प्रिया अभी बेड पे ही है आज, क्योंकि प्रिया की तबीयत अचानक सुबह से बिगड़ गई। उसको चक्कर आ गए, मतलब जो परेशानी सी होगी चक्कर आ गया और दर्द सा हुआ उसे, और वो जो है गिर गई। तो फिर मैं उसे बेड बेड पे लिटा दिया, वहाँ भाई तुम रहने दो, मतलब उठा नहीं जा रहा, दिक्कत बता रही, कुछ उल्टी हो रही, चक्कर से आ रही, इस तरह से बता रही। तो मैंने बोला कोई बात नहीं, तबीयत ख़राब है तो तुम आराम कर लो, और अभी क्योंकि प्रिया तो आज कुछ कर नहीं पाएगी तो मुझे करने अपने कपड़े प्रेस। पहले चाय मैं बना चुका हूँ, मैं और प्रिया दोनों चाय पी चुके हैं। अपने कपड़े निकाल लेता हूँ, कितना अच्छा सिस्टमेटिक वे में मेरे कपड़े लगा के रखती है, लेकिन एक मैं हूँ। अब मैं वो पैंट ढूंढने के चक्कर में सारे कपड़ों को स्पॉइल कर दूँगा। अब मुझे मेरी पसंद की पैंट मिलेगी नहीं जो मुझे पहननी होती है, तो आज मैं थोड़ा सा ध्यान रखूँगा, क्योंकि प्रिया की तबीयत ठीक है, फिर बात ही हो जाएगी कि तुम, मेरी तबीयत ठीक नहीं है फिर भी तुम इतना गंदा कैसे कर लेते हो। बात सही भी है। तो चलिए रुक जाइए, मैं अपने कपड़े निकालता हूँ, फिर मिलता हूँ आपसे। हर एक सिचुएशन में अपने हस्बैंड का साथ हो हर एक चीज़ में, तो मतलब उससे अच्छी फीलिंग कुछ होती ही नहीं है। मैं बीमार हूँ, इनको पता था ये व्लॉग भी नहीं बना पाएगी या कुछ भी नहीं कर पाएगी, पूरी पूरी हेल्प करते हैं हर एक काम में मेरी, और इसीलिए मैं इनको नहीं बोलती हूँ, वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड हैं ये सच में। औरतों को बहुत रहता है कि अपनी सारी चीज़ों को बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रखती है, कोई खराब करे तो उनको अच्छा नहीं लगता। मैं हिंदी की लेकर आया था, कोर्ट में यहाँ पर ग्रेजुएशन वाला तो वहीं से ले लिया था। मैं हिंदी, हालांकि मैं हिंदी इस्तेमाल करने के बिना धोई करना नहीं चाहिए, पर आज मिले नहीं, क्योंकि ये तो प्रिया के काम है, प्रिया ही दे सकती थी ढूंढ के। चलो पैंट ये वाली दे लेंगे, पता नहीं ये सही है क्या है। निकाले कर लेते हैं कपड़ों को प्रेस, अभी प्रेस करेंगे बेड पे, क्योंकि हमारे एक प्रिय भाई जो है वो प्रेस वाली हमारी वो लेके चले गए थे, क्या बोलते हैं प्रेस करने के, वो है ना हमारे पास टेबल, वो लेके चले गए थे, तो वो अभी उन्हीं के घर पे है, वहाँ से आ तो गई। हाँ आ गई, आगे लेकिन बाहर रखी है, मैं इतना कष्ट करूँगा नहीं कि मैं उसे उठाऊँ जमाऊँ और फिर मैं अपने कपड़े प्रेस करूँ, तो मैं क्या करूँगा, सिंपल यहीं पे कपड़े प्रेस कर लेता हूँ। फिलहाल इतना करना मेरे बस की अभी नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम करने हैं। अब जब घर वाले बीमार हो तब आपको समझ में आता है वो कितने काम करती है। अब सुबह से मेरी रेल बन रही है ना, उधर तो पाखी को तैयार किया, पाखी को तैयार होने में हेल्प करी, ठीक उसका फल वगैरह काट के दिए, जो सारे काम प्रिया के, मतलब वो सारे काम आज मुझे करने पड़ रहे, तो मुझे समझ में आ रहा है कि कितना काम प्रिया एक दिन में करती है।
चलो अभी मैं प्रेस कर लेता हूँ गाइस, फिर मिलेंगे आप लोगों से, है ना। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो अभी वो चले गए हैं और मैंने अभी उठ गई थी, पानी वानी पिया, थोड़ी सी चाय वगैरह पी, दवाई ली और अभी छोटू को सुलाया है। वो भी सोने के लिए क्लस रही थी। और हम औरतों का ऐसा ही होता है, बीमारी हो चाहे कुछ भी हो, चाहे आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, चाहे आंधी तूफान आ जाए, उठना भी है, घर भी देखना है, बच्चे भी देखने हैं, तो ये सारी जिम्मेदारी होती है। और वो आज छुट्टी बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे। बोल तो रहे थे कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं रुक जाऊंगा, पर आज बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे क्योंकि आज कोई तारीख वारीख है कोर्ट में, तो वहाँ पे इनका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं दवाई वाई लेके उठ जाऊँगी। मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे हैं। मतलब बैठी भी हूँ ना तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ घूम रहा है, बस इस तरीके की वो हो रही है। और मतलब सुबह में हुआ, रात कल भी हुआ मुझे ये परेशानी, और डर लगता है एकदम से, जैसे चलती हूँ ना तो घूमता है, समझ में नहीं आता चल रही हूँ क्या, पता नहीं किस वजह से ये सारी चीज़ें हो रही है। एक दो चीज़ें तो कुछ ऐसी चल रही हैं पर्सनली, और मतलब देखते हैं अभी डॉक्टर को दिखाऊंगी कि क्यों हो रहा है ये, और चक्कर मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो ऐसा भी होता है ना, जैसे अनाया ने मतलब कुछ कर दिया, उसको वॉश करने के लिए ले जाना है और मुझे डर ये लग रहा है कि कहीं तुझे चक्कर ना आ जाए। अपना तो फिर भी देखा जाएगा यार, बच्चे के बारे में सोचना पड़ता है। और हमारा जो, जैसे कि एक चीज़ दिखाती हूँ आपको, क्या दिखाना चाह रही हूँ मैं आपको, ये वाली चीज़, ये ना ये वाली जो ऊपर नीचे का ये वाला जो सिस्टम है ना, ये थोड़ा सा इस पर बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे, और इसी पे मैं आज गिरी हूँ। चक्कर आए मुझे और मैं इसी से ना नीचे धड़ाम दे गिरी हूँ। जैसे गिरी ना, मुझे गिरने की इतनी टेंशन नहीं होती, मेरे दिमाग में एक बात आती है कि चलो मैं अनाया को गोदी में नहीं ले रही थी, अगर उसको लेके वो हो जाता तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती। फिलहाल तो ये लकड़ी के गुटके मंगवाए हैं, कटवा के इनको रखते हैं। देखिए कितने सारे तो कपड़े धुले हुए रखे हैं ये बास्केट। अब मैंने उनको बोला जाते हुए, आते जाते उनको बोला था कि ये बास्केट ऊपर रख देना, अब सुबह में बहुत सारे काम हो गया था वो भी भूल गए जाते जाते। अब मैं इसको ऊपर कैसे लेके जाऊंगी क्योंकि वो सोई है, तो मैं सोचूं पहले कपड़े सुखा आती हूँ, पूरा दिन आराम से सूखते रहेंगे फिर कपड़े। मैं कपड़े सुखा के आ गई हूँ और आज पूजा पाठ भी सुबह में वही करके गए हैं, गोपाल जी को नहलाना, भोग लगाना, सब कुछ सुबह के टाइम करके चले गए थे। तो अभी वो तो है नहीं, जैसे दवाई ली है तो मैं सोच रही हूँ एक बार पूरा घर समेट के झाड़ू वाड़ू निकाल लेती हूँ, बर्तन इकट्ठे कर देती हूँ, साफ नहीं करूँगी अभी क्योंकि अनाया सो रही। और साग रखा हुआ है इसको मैं छोंकूंगी, ऐसे नहीं खाऊंगी, छोंक के ना, और अपने लिए रोटी बना लूँगी इसके साथ ही। और अनाया के लिए पानी भी मुझे बॉईल करना है। जी उठ गई मैडम, बस इतनी देर सोना होता है इनको। क्या हुआ? अब आपको अच्छा तो सोना नहीं, कौन है?
कौन बैठी है इधर? टोप्पा कहाँ? टोप्पा पप्पा कहाँ गया? ये कहाँ रखते हो तुम इस टोपे को? ठीक है, कौन बैठी है ये शरारती बच्ची? कौन बैठी है इधर? आप जानती हो इनको? ये कौन है इधर सामने, जानती हो क्या तुम? जानती हो? कौन है बताना, बताओ कौन है? कौन है ये लड़की, ये सुंदर सी लड़की कौन है? कौन है ये जिसके मुंह में दांत नहीं है और ये फैटा रहता है और टोता रहता है? कौन बच्चा है ये क्यूट सा बेबी किसका है भाई? जिया जिया बस देख लिया अपने आप को बस। बैठ जाओगी यहाँ पे थोड़ी सी देर? बैठोगी थोड़ी सी देर? बैठ जाओगी? क्या करूँ, फोन नहीं, फोन नहीं दूंगी खिलौनों से, इनसे खेल लो, खेल लो। तुम्हें तो बहुत शौक है वीडियो बनवाने का भाई। खेल लो, कुछ और सामान भी ला के दूँ? खिलौने देखो आप लोग, क्या क्या खिलौने हैं उसके। अपने ही चीज़ों से खेलती रहती है, देखो कितना वो है, मतलब ऐसा वीडियो बनवाने की तो हद है बिल्कुल। उसके ये ना मामा ने से लेके आई थी, घर आके घर घर में पहन लेती है, अच्छी रहती है ये जुत्ती। और ये मेथी रखी है, इसमें थोड़ा सा पालक है, इनकी आज शाम के टाइम देखती हूँ इनकी भुजी बना लूँगी आलू आलू डाल के। पनीर, पालक पनीर बनाऊँ तो पालक कम है ना, मेथी है फिर तो आलू, ये पालक थोड़े से और मेथी मिला के इनका जो है वो बन जाएगा भुजी बना लेंगे आलू की, या फिर पालक को हल्का सा उकर के आटे में मिला के पालक की रोटी भी बना सकते हैं, पूरी बना लो, बहुत सारी चीज़ बनती है। और इस टाइम पे इस मौसम में सब्जियों की भरमार है भाई, हरी हरी सब्जी खाओ और अपने बच्चों को भी खिलाओ। बस इसी तरीके से ध्यान करते करते अपना अपना बच्चों का टाइम निकालो, सारी बोटल्स इसके बॉयल कर। फिलहाल अपना खाना पीना देखती हूँ थोड़ा सा, ये मैडम जी अगर बैठती हैं तो फिर झाड़ू निकाल लूँगी पूरे घर में, कि ये वाला बेड थोड़ा सा सेट करना है मुझे।
मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना पाऊँगी अभी, क्योंकि जब तक ये बैठी है, जब तक अपना खाना पीना कर लेती हूँ, फिर ये वीडियो भी जाने के लिए भी लेट हो जाएगा अगर एडिट नहीं होगा तो। और चलिए फिर इसी के साथ मैं इस व्लॉग का एंड करती हूँ। और अंगीठी सारी तैयारी हो गई है और मुझे बस सिर्फ लड्डू बनाने हैं, तो बनेंगे तो जब ही शाम के टाइम में, जब ये कोर्ट से आ जाएंगे शाम के टाइम। आज अंगीठी सिलगा के उस पर तसल्ली से बैठ करके लड्डू बनाऊँगी। कनी रखी हुई है मेरी, इस कनी को भून के रखूँगी। तो आज ये रात के टाइम में मुझे अपना सारा काम निपटाना है। तब तक जो है थोड़ा सा तबीयत में भी सुधार आ जाएगा। वैसे मैंने सुबह से 2 खुराक ले ली है और बाकी की जो भी है दवाइयाँ शाम तक लूँगी तो आराम मिलेगा, और नहीं भी मिलेगा तो भी करूँगी, क्योंकि लेट ही होता जा रहा है। पाखी को भी इस टाइम पर ज़रूरत है और इनको भी ज़रूरत है थोड़ा अच्छा खान पीन की। कनी को घी में भून के रख लूँगी और बेसन के लड्डू का सामान मैंने सारा मंगवाया हुआ है, बस उसको अच्छे से भून के घी वगैरह सब कुछ। तो ये है कि सुबह के टाइम में दोनों बाप बेटी एक एक लड्डू खा के चले जाया करेंगे, एक एक लड्डू रात को अपना दूध के साथ में ले लिया करेंगे, तो इनके लिए अच्छा होगा। मेरे लिए तो ज़्यादा कनी काम करेगी, क्योंकि मुझे दर्द है ना कमर वगैरह में, तो उसमें भी बहुत राहत करती है कनी। तो चलो, इन मैडम का कुछ नहीं पता ये किस टाइम भड़क जाएं, और तब तक हम अपना खाना पीना ही। आज इसको छींक आ रही है और इसकी छींक और खांसना ना, मतलब मैं सारी परेशानियां भूल जाऊंगी अपनी एक मिनट में। बहुत डर लगता है बच्चे का सच में, इस टाइम पे बहुत ध्यान रखना पड़ता है, बहुत ही ज़्यादा। हर एक काम को छोड़ो, पहले बच्चों का ध्यान रखो, उनके खाने पीने का। पाखी है, पाखी के खाने पीने का भी मुझे बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि सर्दी हो रही है और फिर सुबह में स्कूल जाना, इसीलिए मैं सोचूं कि आज शाम के टाइम लड्डू बना ही बना दूंगी, बस देर नहीं करूंगी बिल्कुल भी। बेशक कुछ और काम रह जाए पर वो ज़रूर करूँगी। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त, मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, हस्बैंड की कोशिश थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और वो पन्नी फाड़ने में लग रही है। चलो फिर, बाय बाय।